Hey guys, welcome back to TechSites, Vineet Sair here. तो आज मैं आपको इस वीडियो में WhatsApp की कुछ मज़ेदार ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्यूबोट। ये एक बॉट है WhatsApp के लिए। जैसे कि अगर मैं यहां पर टाइप करूंगा टेक स्पेस दे के @wiki, तो ये टेक की विकीपीडिया शो कर देगा। तो अब मुझे विकीपीडिया सर्च करने के लिए मुझे गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी चैट से डायरेक्टली विकीपीडिया को असेस कर सकता हूँ। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर कमांड दी गई है, आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और IMDB फीचर भी फ्री वर्जन में अवेलेबल है। तो अब अगर आपको कुछ विकीपीडिया पे सर्च करना है, कैलकुलेट करना है, IMDB की रेटिंग चेक करनी है, और किसी प्लेस का वेदर चेक करना है, और होरोस्कोप चेक करना है, तो आप डायरेक्टली अपने WhatsApp से कर सकते हैं। और कुछ फीचर्स प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करना चाहते हैं और एक फेक चैट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐप है फेक चैट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास एडिशन आइकन है, तो आप उस पर टैप करें तो आपके पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, जिससे आपने चैट करनी है उसकी प्रोफाइल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन राइटिंग, टाइपिंग और कस्टम मैसेज, आप यहाँ पर ये ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको कुछ भी सेंड करना है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक राइट साइड का एरो है और एक लेफ्ट साइड का एरो है। रिसीवर के लिए आप लेफ्ट साइड एरो टैप करें और सेंडर के लिए आप राइट साइड एरो टैप करें। तो आप देख सकते हैं, आप इजीली अपनी फेक चैट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम ऑफ मैसेज, फोन नंबर, आप यहाँ पर सब कुछ एडिट कर सकते हैं। और आप फेक ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हैं। रीड मोड, सेंड मोड, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इस ऐप से आप पूरी परफेक्ट फेक चैट क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हैं। अगर आपने अनसीन ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या ग्रुप में कोई भी मैसेज आता है, तो आपको WhatsApp ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां से अपनी चैट को रीड कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपके फ्रेंड को लगेगा कि आपने मैसेज रीड ही नहीं किया है, और आपके फ्रेंड को ब्लू टिक शो नहीं होगी। तो ये ऐप भी बहुत यूज़फुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाले फ़ोन से मैसेजेस सेंड हो रहे हैं और लेफ्ट साइड वाले फ़ोन पर ब्लू टिक्स नहीं शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको रिप्लाई करना है तो आपको WhatsApp ऐप ही ओपन करना पड़ेगा। तो आप अनसीन ऐप से मैसेजेस को निंजा की तरह रीड कर सकते हैं और आपके फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मैसेज रीड किया है या नहीं किया। अनसीन ऐप में आप फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब ऐप के भी मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। अगर आप अपनी WhatsApp की annoying photos, videos से परेशान हो गए हैं, तो आप इन्हें अपनी गैलरी में से हाइड भी कर सकते हैं। इसका सिंपल मेथड ये है कि आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, अपनी स्टोरेज में जाएं, WhatsApp फोल्डर को ओपन करें, उसके बाद आपको मीडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है अगर आप वीडियोस हाइड करना चाहते हैं या इमेजेस हाइड करना चाहते हैं, तो उस फोल्डर को ओपन करें। यहाँ पर आपको एक न्यू फाइल या आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम होगा .nomedia। आपको ओके कर देना है। जैसे ही ये फोल्डर या फाइल क्रिएट हो जाती है, उसके बाद अगर अब जाकर अगर आप अपनी गैलरी को चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको आपका WhatsApp का मीडिया फोल्डर शो नहीं होगा। तो इस सिंपल से मेथड से आप अपने WhatsApp की अनोइंग फोटोज़, वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैजिक इमेज आई हो, तो आपको पता होगा कि इमेज डाउनलोड करने से पहले कोई और इमेज होती है, और डाउनलोड करने के बाद कुछ और ही इमेज बन जाती है। और अगर आप वैसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इमेज प्रीव्यू ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप इमेज प्रीव्यू ऐप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, ओरिजिनल इमेज और प्रीव्यू इमेज। ओरिजिनल इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी डाउनलोड होने के बाद दिखे, और प्रीव्यू इमेज वो है जो फेक इमेज होगी, जो डाउनलोड करने से पहले आपके फ्रेंड को दिखेगी, अब उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जस्ट शेयर करनी है इमेज। आपके फ़ोन में वो ओरिजिनल इमेज ही शो होगी,
लेकिन आपके फ्रेंड के फोन में वो पहले प्रीव्यू इमेज शो होगी और डाउनलोड करने के बाद ओरिजिनल इमेज शो होगी। तो आप इमेज प्रीव्यू ऐप से मैजिक इमेजेस क्रिएट करके अपने फ्रेंड्स के साथ मजे ले सकते हैं। ये ऐप बेसिकली आपके व्हाट्सएप की जंक फोटोज डिलीट करने के लिए है। सिंपल सा इंटरफेस है। अगर आप सर्कल पर टैप करेंगे तो ये आपके फोन की सारी इमेजेस को एनालाइज करेगा, आपके फोन के स्क्रीनशॉट्स, वेस्ट इमेजेस, डुप्लीकेट इमेजेस, उन सबको सर्च करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का। तो आप अपने व्हाट्सएप की जंक फोटोज इस ऐप से इजीली डिलीट कर सकते हो। और अगर आप अपनी गैलरी में से भी जंक इमेजेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पर एम्प्टी मैसेजेस सेंड करने हैं तो इसके लिए आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे और चैट सेक्शन में जाएंगे तो अगर आप अपने कीबोर्ड पर इस बटन को टैप करेंगे और फिर दोबारा इस बटन पर टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है बैक टिक का। अगर आप 3 बैक टिक टाइप करते हैं और उसके बाद कुछ स्पेस देने के बाद आप फिर से 3 बैक टिक टाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि ये एक ब्लैंक मैसेज में क्रिएट हो गया है। और इस मेथड से आप ब्लैंक मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप को विदाउट नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रीमो ऐप और टॉक टू ऐप। बेसिकली प्रीमो ऐप से आप USA का फेक नंबर जनरेट कर सकते हैं और टॉक टू ऐप से आप फिलीपींस का फेक नंबर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका इन डेप्थ वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है, अगर आप अपने फ़ोन पर मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो आपका ओरिजिनल व्हाट्सएप हो गया, सेकंड आप GB व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन है कि अगर आप पैरेलल स्पेस या फिर गो मल्टीपल ऐप्स को यूज़ करें। तो इन तीनों ऐप्स की मदद से आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट एक ही डिवाइस पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। GB व्हाट्सएप व्हाट्सएप का सिमिलर वर्जन है। गो मल्टीपल और पैरेलल स्पेस में आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया जाता है जिससे कि आप पैरेलली एक सेकंड व्हाट्सएप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास ये तीन ऑप्शन हैं, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है GB व्हाट्सएप। आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी जिन पर लिखा होता है ओपन, और अगर आप उन्हें ओपन करते हैं तो बहुत बड़ी इमेज खुल जाती है। तो उस इमेजेस को क्रिएट करने के लिए आपको इमेज एडिटर ऐप को यूज़ करना होगा। यहाँ पर आपके पास क्रिएट इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, हाइट और विड्थ का। विड्थ में आपको 400 सेलेक्ट करना है और हाइट में आपको 1600 सेलेक्ट करना है। और नीचे आपके पास कलर का ऑप्शन है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके करना है। यहाँ पर आपके पास ऐसी विंडो ओपन होगी। अब आपको इस इमेज पर टेक्स्ट ऐड करना है। जो ओपन इमेज का टेक्स्ट है वो आपको इसी पोजीशन पर सेट करना है, और उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी से इस इमेज को जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसे सिंपली बना रहा हूँ। फुली एडिट करने के बाद आपको ओके करना है। अब अगर आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और इस इमेज को शेयर करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर लिखा रहा है। तो अब अगर आपका फ्रेंड इस इमेज को ओपन करेगा तो वो एक बिग साइज इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो आप ऐसी इमेजेस को सिंपली इमेज एडिटर ऐप से क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फ़ोन कोई चेक करना चाहता है और आप कोई पर्टिकुलर चैट को हाइड करना चाहते हैं तो उस चैट को आप सेलेक्ट करें। आप टॉप पर देख सकते हैं डाउन एरो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें। इससे आपकी चैट अचीव हो जाएगी और ये आपके चैट सेक्शन में बिल्कुल डाउन जाकर यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि अचीव चैट्स। तो अगर आप उस पर टैप करेंगे तभी आप इस चैट को एक्सेस कर सकते हैं। अनअचीव करने के लिए आपको उसी चैट को ओपन करना है और सेलेक्ट करना है, और वहाँ पर आपको अपसाइड एरो का ऑप्शन शो होगा, उस पर टैप कर दें और आपकी चैट वापस आ जाएगी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आपका फ़ोन कोई और चेक करने जा रहा है तो उस सिचुएशन में आप अपनी पर्सनल चैट से बच सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को कोई चैट सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैट के स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आप उस चैट को ओपन करेंगे और थ्री डॉट मेनू आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मोर का ऑप्शन है, तो उस पर टैप करने के बाद आपके पास ऑप्शन है ईमेल चैट, तो आप यहां से डायरेक्टली अपने फ्रेंड को पूरी चैट का टेक्स्ट मैसेज बनाकर सेंड कर सकते हैं। तो जब आपके फ्रेंड के पास मेल पहुंचेगा तो वो चेक कर सकता है। तो आपका फ्रेंड अपनी मेल को ओपन करके सारी चैट को टेक्स्ट के थ्रू पढ़ सकता है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप किसी को पूरी चैट सेंड कर सकते हैं और इसमें पढ़ने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके फ्रेंड के साथ जो आपकी चैट है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है या नहीं, तो इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप अपने फ़ोन पर अपने फ्रेंड की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है व्यू सिक्योरिटी कोड का, तो अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं और आपको अपने फ्रेंड के फ़ोन में अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है तो आप देखते हैं दोनों फ़ोन पर एक कोड शो हो रहा है और यहाँ पर नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब अगर आपका फ्रेंड किसी डिस्टेंस पर है तो आप इन नंबर्स को मैच कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड का फ़ोन आपके पास ही है तो अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर उस पर राइट टिक आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, और अगर नहीं आता तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। जैसे कि अगर आपका फ्रेंड अनऑफिशियल व्हाट्सएप वर्जन यूज़ कर रहा है तो उससे चांसेस कम हो जाएंगे कि आपके और आपके फ्रेंड की चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई तो सभी ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो प्लीज़ टैग से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज़।